मैं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब से निवेदन करता हूं कि वो प्रेस वालों को संबोधित करें। दत्तासा जी, धारीवाल साहब, प्रसाद मीणा जी, अन्य हमारे मंत्रीगण, तमाम साथियों, पत्रिका बंधुओं, ये दो दिन आपके कोटा के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे। ये कोटा को जमाने में या तो DCM, JK इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड उनसे पहचान थी, JK के फेल होने के बाद में इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड भी बंद हो गया, अब आपके कोचिंग की पहचान बनी। हाड़ौती पर्यटन के क्षेत्र में बहुत पीछे था, आप कुछ जानते हैं कि उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर इत्यादि, पर आज धारीवाल जी ने जो इतिहास रचा है, पहले सिविल वंडर्स के रूप में, अब आपको सौगात दी है रिवर फ्रंट, और जिस रूप में आपके ये आज पार्क देखा हमने, सिटी पार्क, वो भी मिसाल है। हम सबको गर्व हो रहा है कि भारत में एक अगर नेता संकल्प कर ले मुझे मेरे लिए शहर के लिए कुछ करना है, तो ये अद्भुत नमूना है उसका। धारीवाल जी ने वो काम कर दिखाया, मैं समझता हूँ कि इससे और लोगों को प्रेरणा मिलेगी। अभी अध्यक्ष जी ठीक कह रहे थे, स्थानीय संसाधनों को जुटा करके इतना बड़ा काम कर देना। अब आपका एक तरफ तो पर्यटन को हम दर्जा दे रहे, इंडस्ट्री का इतना ही काम हुआ राजस्थान के अंदर, उससे होटेलियर्स, टूर ऑपरेटर्स, ट्रेवल एजेंट सब खुश हैं, डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट आते हैं राजस्थान के अंदर, तो बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा टूरिज्म को। पर कोटा का जुड़ना राजस्थान के टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर, कोटा संभाग का, कोटा शहर का जो नया रास्ता खुला है टूरिस्ट के लिए, ये बहुत बड़ी सौगात जो दी है धारीवाल जी ने, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। आज मैं सिटी पार्क देखा, वो भी अद्भुत काम हुआ है। विश्वास नहीं होता कि 120 करोड़ की लागत से ऐसी परियोजना बन सकती है, विश्वास के काबिल, विश्वास नहीं हो रहा है। इसके मायने कि यहाँ की UIT ने, यहाँ के जो मिस्टर अनु बर्तरिया है आर्किटेक्ट, धारीवाल जी ने खुद ने मार्गदर्शन दिया उनको, पता नहीं कितनी बार आए होंगे, विजिट की होगी, और जिस रूप में वो डेवलप हुआ है आप तो खुद गवाह है आज। इसलिए मॉडल राजस्थान बनाने की हम बात करते हैं, मिशन 2030 की जो बात करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर हर क्षेत्र में प्रगति करी है, शिक्षा के अंदर, स्वास्थ्य सेवाओं में, पानी में, बिजली में, सोशल सिक्योरिटी के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर में, आप देखिए सब तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और तो रोड जो बन रही है राजस्थान में, 150,000 किलोमीटर रोड हम बना रहे हैं, तो जो उपलब्धि है उस पर मैं अभी नहीं जाना चाहूंगा, लंबी चौड़ी उपलब्धि है, तो यहाँ के PR को मैं कहूंगा कि आपको वो सारे नोट उपलब्ध करवाएं जो कि हमने बनाए थे कि किन किन कामों के अंदर राजस्थान नंबर वन है देश के अंदर, क्या क्या कानून हमने पास किए हैं, वो राज्य में नहीं है, वो लंबी दास्तान रहेगी। और इस मौके पर मैं कहना चाहूंगा जो आज आपके जो विकास के प्रतीक के रूप में रिवर फ्रंट बन गया और आपका ये सिटी पार्क बन गया, अंडर ब्रिज, फ्लाईओवर, लाइट फ्री आपकी रोड्स,
ये सब काम मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल कंट्री में बहुत कम शहर होंगे जहाँ पर लाइट फ्री रोड चल रही है। ये अपना में बड़ी उपलब्धि है आपकी। पहला शहर बना जाता है अंदर कोटा जहाँ पर लाइट फ्री ट्रैफिक रहेगा। ये बड़ी उपलब्धि अपना आपके अंदर है। अब ये पर्यावरण के क्या लाभ हैं, पेट्रोल डीजल की कितनी बचत होगी, बहुत लंबी बात है, आप खुद जानते हो, अब पत्रकार लेखक सब जानते हैं कि उपलब्धि का मतलब क्या होता है। इतने मैं अपनी औरतें में कहना चाहूँगा कि दारीबाजी अब सिविक रिसेप्शन के पात्र बन गए हैं। नागरिक अभिनंदन जिनको कहते हैं उनके पात्र दारीबाजी है, उनके अधिकार रखते हैं। अब कोटावासियों पर है वो किस प्रकार के अप्रोच रखे कि जनता और यहाँ की जो नेता उनके ऊपर है। इन्होंने जिंदगी में अपना काम कर दिया। हर इंसान का एक सपना होता है कि मैं मेरे गांव में, मेरे क्षेत्र में, मेरे राज्य में, मेरे देश में मैं क्या कर सकता हूँ, कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। उस दिशा में दारीबाजी राजस्थान के अंदर भी एज ए यूडीएस मिनिस्टर 3 बार में मंत्री मुख्यमंत्री बनाऊँ आप लोगों का आशीर्वाद से, 3 बार मेरे यही मंत्री रहे हैं यूडीएस के एलएसजी के इतिहास उसमें बनाए दोनों राजस्थान भर के अंदर, जिसका गवाह जयपुर से लगा के राजस्थान हर शहर है। 8.5 लाख लोगों को पट्टे मिल गए, 90 पहले हो गया। ये कुछ फैसले ऐसे हैं जो हम जानते हैं कि कितनी बार इन्होंने क्या प्रयास किए होंगे, कितने अमेंडमेंट करवाए होंगे, ऐसे नहीं होते हैं। प्रशासन शहरों के संग अभियान जो कामयाब हुआ है वो भी एक मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार प्रतिबद्धता दिखाई दारीबाजी ने उसके कारण संभव हुआ। 40 साल रह रहा बंगले के अंदर, पट्टा नहीं उसके पास में, तो किस्से कहने सुनते होंगे आप भी। तो मुझे खुशी है कि आज कोटा मुझे आने का सौभाग्य मिला और मैं आज सिटी पर खूब घुमा हूँ, देखा हूँ, एंजॉय किया है। मैंने जूले भी खाए वहाँ पर, फोटोग्राफी करवाई है। मुझे अच्छा लग रहा है आज मैं कोटा शहर के अंदर घूम रहा हूँ पार्क के अंदर, और पार्क जो है एक नमूना बन गया देश के अंदर। मेरे ख्याल शायद ही ऐसा पार्क पूरे देश में कहीं होगा। और वो बर्थडे भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो उसने अपनी कौशल दिखाया है, कौशल समझा दिखाई है। बगैर धारीबारी के आशीर्वाद को संभव ही नहीं था। तो उसकी जो उसका अनुभव जो है इस दिशा में मैं समझता हूँ वो भी अद्भुत रहा। तो मुझे खुशी है कि मैं आज आपके बीच में हूँ और बहुत शानदार उपलब्धियाँ आप कोटावासियों को मिली है, उसके लिए आप सबको कोटावासियों को बधाई, धन्यवाद। अभी कह रहे थे हमारे मंत्री जी, राष्ट्रपति महोदय आयुष्मान भाव के नाम से अभी प्रोग्राम बीची हुई थी, मैं भी सम्मिलित हुआ उसके अंदर। मैं प्रधानमंत्री जी में इस मौके पर मांग करना चाहूँगा, आप आयुष्मान भारत तो चल रहा पहले से ही, 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, और खाली सोशल इकोनॉमिक सेंसेस जो है उनके लिए सीमित है वो। मैं मांग करना चाहूँगा हेल्थ के अंदर राजस्थान सरकार मॉडल के रूपों पर रही है देश और दुनिया के अंदर। जिस प्रकार से चिरंजीव योजना आई है, दुर्घटना बीमा दिया हम लोगों ने, निरोगी राजस्थान की स्कीम साथ चल रही है, राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया हमने, मैं प्रधानमंत्री से मांग करना चाहूँगा आप भी राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाओ, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, सोनिया गांधी जी ने बनाए थे 4 कानून, RTI, RTE, फूड सिक्योरिटी एक्ट और नरेगा। 5वां कानून आपका बने राइट टू सोशल सिक्योरिटी, हर परिवार की जो इनकम तय हो किस प्रकार से सरकार उनको प्रोवाइड करवाएगी, पेंशन के रूप में हो, मानदेय के रूप में हो, कुछ भी हो। और राइट टू हेल्थ एक्ट पास करना बहुत बड़ा उपलब्धि हमारी है, वो एक्ट भी पास होना चाहिए भारत सरकार के अंदर। समय आ गया कि हमने जो स्टेप उठाए हैं, ऐसे ऐसे कानून बनाए जो अभी तक कहीं है ही नहीं, जिसमें गिग वर्कर्स एक्ट भी है उसके अंदर शामिल है। इसे मैं लंबी बात देखे तो कहना चाहूँगा कि समय आ गया कि राजस्थान जो स्टेप उठा रहा है, केंद्र सरकार को खुद को फॉलो करना पड़ रहा, मजबूरी में क्यों नहीं हो। 500 रुपये गैस सिलेंडर देना शुरू किया, केंद्र सरकार को मजबूर होकर के
200 रुपये कम करने पड़े उसके अंदर। आयुष्मान भाव जो प्रोग्राम है 25 लाख का बीमा भरा है, 5 लाख का बीमा लेके वो बीकानेर में लॉन्च करना चाहते थे, उन नेताओं ने कहा, बीजेपी नेताओं ने, या आप 5 लाख की बात कर 25 लाख का मिल रहा है यहाँ पर, वो प्रोग्राम उस दिन हुआ नहीं, कैंसिल कर दिया। अब जाके वो आयुष्मान भाव के रूप में सामने आया। तो मुझे गर्व है कि चाहे ओपीएस हो, चाहे वो हमारी अन्य योजना हो, दबाव पड़ रहा है, बल्कि अन्य सरकारें राज्यों की अपने मैनिफेस्टो में वो योजना लागू कर रहे हैं जो राजस्थान सरकार ने शुरू कर रखी है। राजस्थान पूरा जो है 2030 मॉडल के रूप में हमने जो लॉन्च किया है, आपको यहाँ खुशी हो जाएगी होगी, करीब 1 लाख लोगों ने अभी तक, मुझे कहते हैं गर्व है, जैसे कोरोना के अंदर पूरा प्रदेश खड़ा हो गया था, धर्मगुरु हो, एक्टिविस्ट हो, पॉलिटिकल कार्यकर्ता हो, कोई कमी नहीं रखी, कोई भूखा नहीं सोएगा मैंने कहा था, वो निभाया। उसी रूप में हमने आह्वान किया है सरकार की तरफ से, 30 सितंबर को डॉक्यूमेंट बनेगा, विजन डॉक्यूमेंट बनेगा, इसी 30 सितंबर को तैयारी चल रही है, चुनाव दे रहे हैं लाखों लोग, 1 करोड़ से अधिक लोग अभी तक अपने चुनाव भेज चुके हैं ऑफलाइन ऑनलाइन। तो मुझे खुशी है कि डॉक्यूमेंट बनेगा, आगे आने वाली पीढ़ियों के काम भी आएगा, और ये दृष्टिकोण बन जाएगा आगे आने वाले वक्त में राजस्थान जो है किस प्रकार से आज हम पहुंचे हैं जहां पर, वहां हम कह सकते हैं कि राजस्थान एक मॉडल स्टेट के रूप में उभर रहा है। आज आर्थिक दृष्टिकोण से, आर्थिक विकास दर से हम लोग उत्तर भारत में नंबर 1 बन गए हैं। हम सबको गर्व होना चाहिए कि राजस्थान आज उत्तर भारत में नंबर 1 है आर्थिक विकास दर के अंदर, बड़े राज्यों में नंबर 2 पर है, पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश 11.4%, नंबर 2 राजस्थान 11.04%। तो आर्थिक विकास में आगे बढ़े हुए हैं, और 4 साल में, 4.5 साल में 6 लाख करोड़ का हमें यहाँ GDP बन चुकी है। पूर्व वित्तीय वर्ष खत्म होगा तो 15 लाख करोड़ की होगी, टारगेट बनाए हम लोगों ने 2030 तक 30 लाख करोड़ की GDP राजस्थान हो। इस प्रकार से राजस्थान हर पैरामीटर में बहुत ही स्ट्रांग हो गया है, होता जा रहा है, इसलिए हमने कल्पना की राजस्थान में मिशन 2030 बनाकर चलेंगे, ये हमारा मिशन है, ये मैं आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ। धन्यवाद। आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब समय है आप सभी की जिज्ञासा शांत करने का, आपके प्रश्नों का। सबसे पहले मेरा अनुरोध श्री शैलेंद्र माथुर दैनिक भास्कर से अपना प्रश्न कहें। नमस्कार। अभी आपने बताया कोटा को रिवर फ्रंट और सिटी पार्क मिला, कोटा को बहुत कुछ मिला इन 4 सालों में, कोटा बिल्कुल बदल गया। रिवर फ्रंट में आपके आने का कार्यक्रम था, रिवर फ्रंट में आप आते तो और नई घोषणा होती, हमारे सेकंड फेज का शिलान्यास होता, तब उसका क्या रहेगा? इतने प्रोग्राम बनते राजस्थान भर में हमारे, कई बार कई अपरियाय कारणों से कई बार जा नहीं पाते, कई मैंने ट्वीट कर दिया था रात को उस दिन ही, क्योंकि बेसब्री से इंतजार था मेरे को भी, जब मैंने लिखा आपने ट्वीट पढ़ा होगा मेरा, नहीं तो मेरे पास है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, पढ़ लिया होगा आप लोगों सबने, कहा दे तुमने इसके अंदर। हमारे वरिष्ठ साथी यूडीएस मंत्री श्री शांति धारीवाल ने कोटा रिवर फ्रंट के रूप में हाड़ौती को ऐतिहासिक सौगात दी है। हाड़ौती क्षेत्र पर्यटन के क्षेत्र में पिछड़ा रहा है, परंतु ये रिवर फ्रंट यहाँ पर्यटन बढ़ाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा एवं कोटा के विकास की नई इबारत लिखेगा। पिछले कार्यकाल में धारीवाल जी ने कोटा को 7 वंडर्स की सौगात दी थी,
जिस पर अब फिल्मों की शूटिंग तक होने लग गई है। 12-13 सितंबर को कोटा के लोकार्पण मेरे द्वारा प्रस्तावित थे, जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था, परंतु अपरिहार्य कारणों से मैं 12 सितंबर के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाऊंगा। 13 सितंबर के कार्यक्रम यथावत रहेंगे। सभी हरिद्वारवासियों को बधाई। इसके साथ सेकंड फेज का भी शिलान्यास करना था, क्या वो होगा अभी? क्या क्या बोले? रिवर फ्रंट के सेकंड फेज का शिलान्यास करना था। डीपीआर तैयार हो रही है, डीपीआर तैयार हो रही है, उसके लिए जानकारी बता रहे हैं। उसके बाद किया जाएगा। और कोई क्वेश्चन? नहीं आने का कोई कारण रहा कल? नहीं आने का कारण अभी बताया ना आपको मैंने। नहीं, जैसा चल रहा है कि अभी कुछ लोगों ने कहा है कि विकास के ऊपर लोग क्या कह रही चिंता क्यों, मैं कह रहा हूँ सुनो आप तो। नहीं बिल्कुल आपके सुनिए, जो रिवर फ्रंट बना है उसको लेकर भी कई तरह की वो आरोप लगाए उन्होंने, उनका वायलेशन हो रहा है, स्पेस पे नियम की अवहेलना हो रही है, तो क्या वो कोई राजनीति मारू लगते रहते हैं। दिनेश डांगी सच में धड़क से। हेलो सर, सर मेरा नाम देव है, मैं इंडिया टुडे ग्रुप से हूँ। सवाल आपसे सर ये है कि आपको एक संवेदनशील मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता है। सर कोटा में इसी साल 20 लोगों से ज्यादा बच्चों की मृत्यु हो गई है, सुसाइड्स के इतने मामले सामने आए हैं, सर सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है ताकि कोटा में बच्चों के सुसाइड्स के मामले थमे? देखिए बहुत ही आपने अच्छी क्वेश्चन पूछा आपने, मैंने इमीडिएटली खुद ने मीटिंग बुलाई, पूरी डिस्कशन बहुत लंबे किए, जो कोचिंग क्लासेज के प्रबंधक है उनको बुलाया गया, सारे विभागों को इन्वॉल्व किया गया, कमेटी बनाई गई है, कमेटी की रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी। हम चाहते हैं कि सब मिलकर के, क्योंकि ये एक बच्चे की जिंदगी जाती है तो हम सबको दुख होता है, परिवार को दुख होता है, ये स्थिति जो बनी हुई है वो दुखद है। हम सारे वो कदम उठाना चाहेंगे जिससे कि स्थिति नहीं बने, क्योंकि कोचिंग क्लास के प्रबंधक, उनके परिवार वालों का मामला है, माहौल क्या कॉलेज के अंदर, क्या माहौल हॉस्टल के अंदर, इन सब की स्टडी करवा रहे हैं हम लोग, काउंसलिंग करवा रहे हैं, एक्सपर्ट जो हैं इस विषय के उनसे बातचीत कर रहे हैं, और हम चाहेंगे हम सब मिलकर के इस समस्या पर चिंता तो व्यक्त करें ही करें, क्या हो सकता है सुझाव भी दे सकते हैं आप लोग। सर एक सवाल इसको लेकर ये भी है कि क्या आपको लगता है, एक क्वेश्चन एक आदमी एक क्वेश्चन पूछे, एक क्वेश्चन दिनेश डांगी यहाँ स्टेज पे आ जाए, इको हो रहा है, जरा माइक लेकर स्टेज पे आ जाए प्लीज, आ जाओ यहाँ आ जाओ, इको हो रहा है। हेलो हेलो, मुख्यमंत्री जी मेरा आपसे सवाल है कि आज आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे, आयुष्मान जो योजना लॉन्च हुई है उसके पैरामीटर्स और आपकी जो चिरंजीवी योजना है उसमें पैरामीटर्स में काफी अंतर है, आप लगातार केंद्र से मांग भी कर रहे हैं कि उसको पूरे देश भर में लागू किया जाए। यही मेरा कहना है कि ये भी सोशल सिक्योरिटी है, राइट टू हेल्थ एक्ट बनाया राजस्थान ने बनाया है, भारत सरकार जो आयुष्मान भारत स्कीम चला रही है वो अपर्याप्त है, वो अपर्याप्त है, जो सोशल इकोनॉमिक सर्वे हुआ था उस तक के लोगों तक सीमित है वो। हम चाहते हैं कि पूरे जैसे हमने क्या किया है, हमने पूरे प्रदेश की 93% जनता जुड़ चुकी है चेंजी योजना से, 93% जनता जुड़ चुकी है, तो कहां तो लगभग पूरा प्रदेश जुड़ चुका है और 13 लाख लोग फॉर्म अभी तक गारंटी कार्ड लेने गए हैं, उनका अभियान भी हम शुरू करें आज से ही, कि जो लोग बच गए हैं वो भी गारंटी कार्ड ले जाएं, वो जुड़ जाएं, 25 लाख का बीमा है, अधिकांश श्रेणियों को हमने 850 रुपये थे वो भी फ्री कर दिया। भारत सरकार को चाहिए पूरी स्टडी करवाए राजस्थान सरकार की स्कीम की, राइट टू हेल्थ एक्ट बनाया है हमारा, चेंज योजना है पूरे प्रदेशवासियों के लिए, उस रूप में उनको योजना प्रस्तुत करनी चाहिए देश को। बहुत कम लोगों को, बहुत कम वो दे रहे हैं अपना कंट्रीब्यूशन, आपको जान के दुख होगा इतनी बड़ी योजना हम चला रहे हैं,
400 करोड़ रुपये दे रहे हैं वो खाली, 2400 करोड़ हम दे रहे हैं, मतलब पूरा प्रीमियम जो है उनकी योजना सीमित लोगों तक है और उनका इंश्योरेंस की जो कैप लगा रखी उन्होंने प्रीमियम की भी हमने सब खोल दिया उसको, 2400 करोड़ रुपये लगा रही है स्टेट गवर्नमेंट, इसलिए हमने मॉडिफाइड किया उसको, वो खाली उनकी योजना बहुत कुछ लोगों के लिए ही है, हमने पूरे प्रदेशवासियों ने कर दी है, ये मॉडल उनका भी होना चाहिए, इतने बड़ा फर्क है। और मेरी मांग है प्रधानमंत्री से, आप ही कंपनी को 25 लाख बीमा करो सबका। श्री भवन सिंह चारण फर्स्ट इंडिया से। गहलोत साहब, आपने ऑक्सीजन की अभी तारीफ की, रिवर फ्रंट आपने देखा नहीं, स्टेज पे आ जाए मोदी जी। सर नमस्कार, मैं भंवर हूँ सर फर्स्ट इंडिया से। आपने अभी ऑक्सीजन की तारीफ की सर, रिवर फ्रंट आप कोटा में है, आपने अभी विजिट नहीं किया है, आप कल पधार नहीं पाए थे, आपके आने का था, तो आप रिवर फ्रंट विजिट करेंगे सर, कार्यक्रम है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि कोटा में ऑक्सीजन, रिवर फ्रंट और करीब 2 दर्जन विकास के काम, एक पूरा शहर बदल गया, चुनावी साल है, घोषणा पत्र पे भी कांग्रेस काम कर रही है, क्या ये गहलोत सरकार का शहरी विकास का मॉडल सिटी होगा कोटा? मॉडल तो बन चुका है कोटा में, जो विकास हुए हैं धारीवाड़ी के वक्त में, मॉडल बनने में क्या कमी रहेगी बता दीजिए। यहाँ जो विकास हुआ है मैं समझता हूँ कि ऐसे विकास की और जगह भी आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि कोटा में आता हूँ, बचपन से जब मैं NSU में था तब से आता हूँ, कोटा क्या था मैं जानता हूँ, आज कोटा क्या है आप सब जानते हो, और नई पीढ़ी वाले सुनते होंगे पहले कोटा क्या था। रिवर फ्रंट विजिट का प्रोग्राम है सर कोई? वहां पे रोक लगी मेरे लिए सर, रोक है क्या मेरे लिए? मेरे लिए रोक है क्या वहां जाने के लिए? नहीं, लेकिन आप पधारेंगे क्या कल? आपकी बड़ी तो जब कभी प्रोग्राम बनेगा तो मैं आपको पहले इतना करूंगा, आप साथ लेके जाऊंगा आपको। श्री रणवीर सिंह राजस्थान पत्रिका से, कृपया आए स्टेज पे अपना प्रश्न दें। जी नमस्कार सर, शिक्षा नगरी में आपका स्वागत है। जो आज जो आपने जो जितने भी विकास कार्य देखे इसमें उस कोरोना दौर देखना चाहिए कि जो सिर्फ एक मात्र व्यक्ति शांति धारीवाल जी, जो पूरा शहर अंदर घरों में केतार शांति धारीवाल जी अकेले खड़े रहकर उन कार्यों को अंजाम देते थे, तो ये महान जो इस कोटा की धरती को है कि ऐसे महापुरुष, ऐसे योग्य मंत्री जी हम कोटा को दिया, उसके लिए आपका भी साधुवाद कि धारीवाल जी को लगातार UDS मंत्री बनाते हैं और लगातार शहर और राजस्थान को ऐसी सौगात देते हैं। अब मेरा सवाल यह है सर कि कोटा में तमाम तरह के विकास कार्य हो गए और पर्यटन भी लगातार आने की बात कर रहे हैं, तो कोटा में एक हवाई सेवा को लेकर लगातार इशू उठ रहा है और आप भी बार बार घोषणाएं करती, लेकिन वो धरातल पर कब उतरेगी हवाई सेवा? देखिए, ओम बिरला जी से मेरी बात हुई अभी एक महीना पहले ही, भारत सरकार को चाहिए आगे आए, क्योंकि राहुल गांधी जी आए थे जयपुर कोटा के अंदर, उन्होंने कहा हम लोग पूरी तरह साथ देंगे, हमने जमीन दे दी उन लोगों को, बड़ा काम जमीन का था जो 40 साल से नहीं हो रहा था, 40 साल तय नहीं हो रहा था कोटा में एयरपोर्ट काम बने, जगह तय हो गई, स्टेट गवर्नमेंट जगह दे दी गई है, अब उनको आगे बढ़ना चाहिए। और जो लोकसभा के स्पीकर हैं आप बता दीजिए, लोकसभा स्पीकर का अपना एक प्रोटोकॉल भी होता है और भी होता है, उनको ये भागीदारी निभाएं, इंटरेस्ट लें और जल्दी इसको काम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सर। शशि मोहन जी राजस्थान से, कृपया मंच पर आए। CM साहब नमस्कार। सर मेरा सवाल पूरे प्रदेश के लोगों से जुड़ा हुआ है, आज और कल पेट्रोल पंपों की 2 दिन की स्ट्राइक है, वैट में दरों में कमी की मांग कर रहे हैं, क्या अब आप इस मूड में हैं कि प्रदेश की जनता को राहत दी जा सकती है केंद्र के टैक्स के अलावा, क्योंकि
4.5 साल हो गए। देखिए बात ये लोगों को समझना पड़ेगा, ये बहुत ही सीरियस स्थिति देश के अंदर। केंद्र सरकार ने लूट मचा रखी है, जो राज्यों में हिस्सा होता है एक्साइज के अंदर उन्होंने लगभग उसको खत्म कर दिया है, और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और सेस, तीन नए टैक्स लगा दिए हैं। वो टैक्स की जो वसूली होती है उसमें राज्यों में हिस्सा नहीं होता है। इस प्रकार राज्यों में टाइट करेगा पूरे देश के अंदर, और अब वो उम्मीद करते हैं हमसे, कम उनको करना चाहिए आगे आकर के, 200 रुपये कम किए इन्होंने गैस के, मैं मांग करना चाहूँगा 200 रुपये कम क्यों किए? आयुष्मान आपकी इसकी में गरीबों के लिए अगर स्टेट गवर्नमेंट 500 रुपये दे सकती है तो भारत सरकार क्यों नहीं आयुष्मान आयुष क्या नाम था उसकी योजना का, उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना को अगर प्रधानमंत्री की योजना है, हमने आगे बढ़ के 500 रुपये कर दिया उसको, भारत सरकार से 500 रुपये करे पूरे देश के लिए करे। उसी प्रकार से जो पेट्रोल डीजल की बात है, एक्साइज ड्यूटी किसने बढ़ाई है? उन्होंने बढ़ाई है। उसलिए आज यूपीए गवर्नमेंट जब जो टैक्स आता लगता था और जिस प्रकार से इम्पोर्ट होता था तेल, अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ गई थी, तभी 60 रुपये ज़्यादा कभी नहीं बढ़ाया हमें फिर भी, और इनके राज के अंदर अंतर्राष्ट्रीय कीमतें घट गई है उसके बावजूद 100 पार चला गया पेट्रोल डीजल, तो शिकायत उनसे होनी चाहिए। बैट स्टेट का इसलिए आपकी कंसिडरेशन, वो कंपेयर करते हैं पंजाब को हरियाणा को कंपेयर करते हैं, हम कंपेयर करते हैं मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश हमारे पड़ोस के अंदर है, कोटा के पड़ोस के अंदर है, वहाँ हमने ज़्यादा कीमतें हैं। तो हर स्टेट गवर्नमेंट का वित्तीय प्रबंधन होता है, वो उसको देख के करते हैं हम लोग। हमारे वित्तीय प्रबंधन हमें कहता है कि हमें कीमत इस लेवल पे रखनी चाहिए, मध्य प्रदेश में क्यों हमसे ज़्यादा है, सरकार वहाँ किसकी पार्टी की है? बीजेपी की है।